मैं यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फोटो एग्जीबिशन में हूँ, न्यूज़ फोटो एग्जीबिशन में, द बिग पिक्चर। ये वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन की फ़ोटो एग्जीबिशन है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और मेरे साथ हैं दिग्गज फोटोग्राफर एस एन सिन्हा साहब। वो खुद भी फोटो जर्नलिस्ट हैं और वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हम इस पूरी प्रदर्शनी का एक चक्कर लगाएंगे, कुछ फोटोज़ की बात करेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि किस तरह से इस वक्त फ़ोटो जर्नलिज़्म एक परेशानी के दौर से गुज़र रहा है। सिन्हा साहब नमस्कार, धन्यवाद। आपकी भी फ़ोटो लगी हैं, मेरी भी फ़ोटो लगी हैं, ये हमारी अपनी प्रदर्शनी है। कितनी मेहनत लगी इस प्रदर्शनी लगाने में? देखिए, ये प्रदर्शनी लगाने की जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि WNCA अपनी तरफ से ये प्रिंट्स को प्रिंट करता है, पहले तो जमा करता है, क्योंकि आपको पता है फ़ोटो जर्नलिस्ट कितने व्यस्त रहते हैं और वो इस तरह के डिस्प्ले में बहुत जल्दी नहीं जाते हैं, तो उनसे फ़ोटोज़ लेना, फिर उनको फाइनल करना, फिर उनको प्रिंट कराना, फ्रेम कराना, और फिर ये जगह चुन के इतनी बड़ी, क्योंकि यहाँ 251 पिक्चर्स हमने, कितने फोटोग्राफर हैं और 66 फोटोग्राफर्स ने पार्टिसिपेट किया इस बार, और कितने हमारे मेंबर हैं वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन में, ऑल इंडिया है? हाँ, बिकॉज इट्स ऑल इंडिया बॉडी, तो टोटल हमारे 500 प्लस मेंबर्स हैं आज की तारीख में। और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के तो मैक्सिमम हैं ही, बट आपको मिलेगा कि आपको गोवा का आदमी मिलेगा, गोवा के फोटोग्राफर्स हैं, मुंबई के फोटोग्राफर्स हैं, आंध्र के फोटोग्राफर्स हैं, विजयवाड़ा के मिलेंगे, हैदराबाद के मिलेंगे, आपको हिमाचल से मिलेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट से मिलेगा, मतलब देश के हर कोने के फोटोग्राफर्स ने इसमें पार्टिसिपेट। आइए आइए, हम और आप, ये अल्फाबेटिकली अरेंज एग्जीबिशन है, इसका एक चक्कर लगाते हैं और थोड़ी थोड़ी फोटोज़ के बारे में आप बताइएगा, कुछ कुछ फोटोग्राफर्स के बारे में बताइएगा। ये तस्वीर जो है ये तो शायद होली की लग रही है। ये बिल्कुल अभिषेक है, बिल्कुल यंग फोटोग्राफर है, और देखिए यही खूबी है इस एग्जीबिशन की कि यहाँ पर अल्फाबेटिक इसलिए लगाते हैं कि सीनियर और जूनियर नहीं है, हर कोई बराबर है, और ये एक बहुत यंग फोटो जर्नलिस्ट है, उनसे हमने शुरुआत हुई है, तो जब आप उनकी फ़ोटो देखिए इसमें कलर्स का जो है, और जिस तरह से ये बारिश हो रही वो एक खूबसूरती देता है जी। वो और ये कहाँ की तस्वीरें हैं? ये त्रिपुरा के साथी हैं, वो त्रिपुरा ने उन्होंने भेजा है, उसकी जो उन्होंने कवरेज की है त्रिपुरा में, जिस तरह से वो ब्यूटी दिखाते हैं उस जगह की, वो एक देखने की चीज़ है, खूबसूरती है इसकी अपनी। इससे हम आगे बढ़े, आगे क्या है ये दिल्ली की मतलब, और ये कोविड के समय की पिक्चर्स हैं ये। हाँ। ज़्यादातर तस्वीरें, क्योंकि कोविड के टाइम पे अपना एग्जीबिशन नहीं हुआ था, तो इस बारी 4 साल बाद हुआ है, तो कोविड की तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा हैं, और ख़ासकर इस तरह की तस्वीरें जो हैं ये तो दिल दहलाने वाली तस्वीरें। नहीं, कोविड ने तो सब पूरे लोगों को ही दहला रखा था, और न्यूज़ के लिए सबसे बड़ी कवरेज थी, तो ये भी एक चर्चा आई थी कि सिर्फ कोविड पे करें, मगर नहीं, न्यूज़ सिर्फ कोविड नहीं है, न्यूज़ में हर चीज़ है, कोविड एक पार्ट है, इसलिए पिक्चर्स उसकी ज़्यादा है। बट यदि आप देखें ये पिक्चर, ये कोविड के साथ साथ खूबसूरती भी है, आप कभी कनॉट प्लेस को इस हालत पे देख नहीं सकते जी, जी, और वो मगर ये पिक्चर देखेंगे तो आप हिल जाएंगे जी, इनको देखेंगे तो हिलेंगे आगे तरह से। ये देखिए मास क्रिमेशन जिस तरह से हो रहे थे, लोग सिलेंडर्स के लिए लाइन लगा रहे थे, तो वो देख के लगता था कि क्या हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत परेशानी का दौर था, आप भी गुजरे उससे, मुझको भी कोविड हुआ, मैं भी अस्पताल गया, और ये जो फोटो है ये तो अपने एक बहुत ही खास टैलेंटेड फोटोग्राफर की है, उन्होंने अपनी पूरी सीरीज लगा दी इसमें जी। अनिंदो, ये कुछ फोटोग्राफर्स ने अपनी सीरीज दी है, और देखिए न्यूज़ की यही खूबसूरती है फोटो जर्नलिज्म की। अनिंदो की ये जो है, ये बम ब्लास्ट की विक्टिम जिसके परिवार के लोग मर गए उसमें, और वो उसको कैसे वो बड़ी हुई, कैसे पली वो, अपने रिलेशन क्या और उसकी शादी तक का, वो पूरी स्टोरी क्या जी। और इधर इधर ये जो तस्वीर है ये तो पॉलिटिकल तस्वीर हो गई, बिल्कुल पॉलिटिक्स भी कवर करना हम लोग का काम है। और यदि आप पिक्चर्स देखें तो आज की जो पोजीशन है देश की, उसको ये बड़े क्लियर कट दिखाता है। ये वाली तस्वीर जो है देखिए, कितनी साफ तौर पे जो हायरार्की है आज की, वो दर्शा रहा है, और
आंख का जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा खास है, और ये मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट हाउस की, जब पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर है, पार्लियामेंट हाउस में है जिस समय वो आते हैं वहाँ बाहर, पार्लियामेंट अटैक के टाइम पे जब वो उसकी श्रद्धांजलि देने आते हैं, बिल्कुल करेक्ट, जो लोग की करेक्ट 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 उस समय का है तो थोड़ा सीरियस है, हाँ ये इनका वो भी दिखाता है करेक्टर, बिल्कुल टफनेस है, बिल्कुल बिल्कुल वो पूरी दिखता है, और ये सॉफ्टनेस आ गई, और यही तो खूबी है फोटो जर्नलिस्ट की कि वो किसी पार्टी का नहीं है, वो हर जगह करता है, सब कवर हो रहा है इसमें, और यही देखिए ये कोविड का आ गया, बिल्कुल ब्यूटीफुल हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए हमारे साथी अंशुमन मुंबई के हैं, तो मुंबई से उन्होंने भेजा है कि मुंबई में कैसे कलरफुल लोग खड़े होके होता है जी, ईद होती है, और दूसरी तरफ गणेश को लेके एक मुस्लिम साथ में बैठे हैं, वो लेके जा रहे हैं, तो एक देश की विविधता जी जी। और ये देखिए ये अपने कुंभ मेले के टाइम की लग रही है, ये कुंभ का है कि नागा साधुओं का जो एक देश में सबको पता है, ये अगेन फिर होली है, ये आप कोविड की हालात है, ये भी कोविड में जब लोग जा रहे थे जी, ये माइग्रेंट वर्कर पिक्चर है अतुल की, मशहूर पिक्चर है, बहुत फेमस रही, इस बेचारे के बच्चों की डेथ हो गई और वो जिस तरह से बात कर रहा है सड़क पे खड़े होके, और उससे उसके सारा एक्सप्रेशन से उस समय का दर्द झलक रहा है, जो सारा दर्द मार्मिक है, पिक्चर मार्मिक पिक्चर है, पूरी इमोशन दर्शा रही है, वही तो देखिए हमारे और आपकी खूबी होती है, हमारे पास लिखने के लिए नहीं है, लेकिन एक ही पिक्चर वही कुछ सेकंड के अंदर पकड़ लेना क्या हुआ, वो ये पिक्चर दर्शा रही है, इसीलिए तो कहा ही जाता है कि फोटो जर्नलिज्म में पिक्चर इज वर्थ 1000 words। yes, तो हम लोग आइए आइए हमें बहुत ग्राउंड कवर करना है, बहुत ग्राउंड कवर करना है, ये देखिए आप देखिए ये भी कोविड के समय की है, और इसकी जब स्टोरी है ये कोई मैकेनिक था, और वो बेचारे ने खरीद के कोविड अपना मोपेड एक पुराना खरीदा और लेके ये लुधियाना से चला और बिहार में चला गया, देखिए तो ये स्टोरी भी बता रहे हैं, बिल्कुल पूरी कहानियां होती है, साथ साथ देखिए एक तरफ हम कोविड की बात कर रहे हैं, ये आ गया कल्चर, आ गया हमारा कल्चर, हमारा जो है पूरे देश के यदि हम कल्चर को देखें अलग अलग, और वो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कल्चर है, और ये आ गई तस्वीरें अपने, ये तो बीटिंग रिट्रीट के टाइम की हो गई, या ये बीटिंग रिट्रीट में इस बार जो नया इन्होंने ड्रोन से किया था, तो ड्रोन और वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारी है, डेवलपमेंट जो है हम उसके भी दिखा रहे हैं जी, और नेक्स्ट में हम जैसे ही बढ़ते हैं तो ये हमारा रूरल सेक्शन जी एरिया जो है, जहाँ पर जाके आप देखेंगे कि अभी भी बेसिक नेसेसिटीज की भी ज़रूरत है, उसको भी हम कहीं ना कहीं बिल्कुल सिमिलर इस पिक्चर्स में भी आपको ये दिखेगा कि जैसे ये दिल्ली की ये पिक्चर है जन आहार की जगह, कि एम्स के बाहर क्या हालत होती है, या गांव के खेत में क्या है, या कहीं कुछ जो हो रहा है जी, ये वाली फोटो तो फिर कल्चरल फोटो की फोटो है गणेश सेतकर की, यदि आप ध्यान दीजिए देखिए वहाँ का गोवा का कल्चर कैसा है, ये तीनों जो है पिक्चर्स वहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं, तो देखिए रंग हम वो भी दिखा रहे हैं, एक तरफ हम दुख भी है रंग भी है, तो यही फोटो जर्नलिज्म की खूबी, यही खूबी है, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये हमारी जो आजकल की स्पोर्ट्स का है, और ये स्पोर्ट्स की देखिए जब हम लोग जीतते हैं तो जितने लोग जीते हैं, ये नीरज चोपड़ा है, नीरज पहले गोल्ड मेडल, बिल्कुल नीरज चोपड़ा को पहला ही मिला गोल्ड, ये मैरी कॉम हमारी फेमस वो रही हैं, सारी पिक्चर्स आप देखिए कि जिस तरह से वो उनके मूवमेंट्स को हम लोगों ने कैप्चर किया, और ये तो हमारे गुरिंदर की हैं जो आजकल प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में हैं, बहुत 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 सुंदर फोटो खींचते हैं और पीटीआई के फोटो एडिटर हैं, हमारे पास देखिए हुनर बहुत है, पूरी एग्जीबिशन में हुनर बहुत है, बहुत हुनर है, ये हरकेश भट्ट है, इन्होंने कश्मीर से भेजा है देखिए फोटो, कश्मीर की खूबसूरती वादियों की, हम कश्मीर में और चीज़ों के लिए जानते हैं बट कश्मीर की एक खूबसूरती जब बर्फ पड़ रही है तो वो भी देखने की चीज़ है, ये भी आ गई, ये अपने हरीश, ये भी तो हरीश हरीश फेमस है, काफ़ी नाम है हरीश का, आप सबको पता है कि, और ये देखिए जो ये एक लाइन लगी ये एक अलग ही फोटो, या ये फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली गोले बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं सड़क पे, लोग उस हिसाब से खड़े हैं, और हमने और आपने सबने ये कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कराए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और सड़क पे इस तरह टेस्ट हो रहा है, ये देखिए ये हमारे बड़े सीनियर मोस्ट फोटो जर्नलिस्ट है, मोर देन मतलब 85 ईयर्स,
और उनकी यदि आप फोटो देखें कि देखिए कितनी सुंदर पिक्चर है, ऊपर चढ़ते हुए बच्चों ने कंट्रैप्शन बनाया, इस तरह से इसको किया है कोकोनट को निकालने का रास्ता, वो खूबसूरती देखिए, और ये एक्सप्रेशन देखिए बच्चे का कितना प्यारा है, बिल्कुल बिल्कुल, और खूबसूरती, और ये जो ये आपने रामथंबोर की फोटो है, और जिस तरह से ये शेर आजकल हम लोग बात भी कर रहे हैं टाइगर सेव टाइगर की बात, तो ये पिक्चर भी दिखा रही है उन्हीं चीजों को कि कैसे फतेह सिंह राठौड़ दिख रहे हैं इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, राठौड़ साहब रामथंबोर का किला है और दो शेर, और शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी सेव टाइगर प्रोजेक्ट की, 50 साल हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को, उसकी बात हो रही है। अब इसके बाद ये आसिफ साहब की आ गई, ये देखिए कि दिल्ली में जो हालात हैं, खूबसूरती भी देखी कि दिल्ली में कैसे खूबसूरत बनाया जा रहा है शहर को, हमारे यहाँ किस तरह से लेडीज़ चाहे बुरके में है मगर वो मोपेड चला रही हैं इलेक्ट्रिक वो, और दिल्ली की खूबसूरती, या उस समय कोविड के समय लोगों को स्प्रे किया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कमल की स्टोरी है, कमल हिंदू में थे हैं, और ये मणिपुर का वुमेन मार्केट है, ये पूरा मार्केट है बहुत बड़ा, रन बाय वुमेन, मैं गया हूँ वहाँ पे, और सारी इकोनॉमी इज डन बाय दीज वुमेन इन दैट मार्केट, एंड इट्स कॉल्ड दी वुमेन सेंट्रिक मार्केट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मार्केट, और ये तो खासकर बड़ी फली होती है, खाने में बड़ी कड़वी है लेकिन बहुत टेस्टी होती है इसको बनाने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी इस जगह पे गया और मैंने देखा, और खास करके देखे पैसे के जिस तरह से वो लोग डील करते हैं, नोट की गड्डियाँ रखी हैं कि आप चाहें एक्सचेंज भी कर लें, बिल्कुल। और ये अपने कमल किशोर की किशोर हैं, पहले राइटर्स में भी रहे हैं, उनकी पिक्चर्स की आप खूबसूरती देखेंगे, देखिए कमल तो ज्यादा ज्यादा फोटो जर्नलिस्ट रहा है, यहाँ पे वो अपनी जो है थोड़ी नेचर की दिखा रहा है। नहीं देखिए आपने पार्लियामेंट की बहुत तस्वीरें देखी, बट इसकी जो खूबसूरती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये नीचे का रंग पार्लियामेंट का रंग, बिल्कुल बिल्कुल, वो यही फोटोग्राफी का खूबसूरती है, और फोटो जर्नलिज्म की खूबसूरती यही सब दिखाना है, जिसको हम प्रिजर्व करते हैं कि वी आर एज ए आर्टिस्ट, हम अपने आर्ट को प्रिजर्व करें, बिल्कुल। और यदि आप ऊपर की भी तस्वीर देखें, कश्मीर की श्रीनगर की, ये तो वेजिटेबल मार्केट है वहाँ का, बट इतना खूबसूरत लगता है, पेंटिंग की तरह आपको महसूस होगा ये सब चीज़। करेक्ट, ये वाली फोटो है, ये तो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ मॉडर्न नेचर अर्बन नेचर में, चाहे ठंड में मंकीज बैठे हैं या वाटर ड्रॉप के लिए किस तरह होता है, सब चीज़ें, या ये देखिए फुटपाथ सेलर है, वो अपने बच्चे को बच्चे कैसे रख रहे हैं जिस तरह से, और वो खूबसूरती है उसका साथ। और ये भी हमारे मनीष जो कि डेली न्यूज़ फोटोग्राफी में बहुत नाम है इनका, एपी के बहुत बड़े फोटोग्राफर रहे हैं और हैं भी, और कोविड का उन्होंने कवरेज किया है, और ये दीजिए किस तरह से जो स्टाफ था उस समय हमारा, वो किस तरह से एग्जॉस्ट हो गया, और एग्जॉस्ट हो जाता था क्योंकि वो पहन के गर्मी में वो जिस तरह से सेवा कर रहे थे, समथिंग वेरी बिग। मैंने भी पीपीई किट पहन के सारा दिन देखा था सिन्हा साहब, एक दिन पहनी थी, गर्मी थी, मेरा 2 किलो पसीना निकल गया था, पैर पच 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 करके जूते कर रहे थे, बहुत मुश्किल था, किस तरह से डॉक्टरों ने उस वक्त काम किया, बिल्कुल। और ये कहाँ की तस्वीरें हैं, ये पीटीआई के वशिष्ठ है पीटीआई में है अभी, तो इनकी भी पिक्चर की खूबसूरती देखिए कि दिल्ली को स्काई का लाइनिंग जो उन्होंने, रायसीना हिल दिख रहा है तो, और जो वो समय आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसका जो फील आया, या ये अपना गांधी जी का जो 12 मूर्ति है जी, उसका जी, ये मथुरा का है जी, होलिका के समय पंडाल लोग करते हैं, तो ये मेहर है पंजाब केसरी के, इनके भी आप इतनी बढ़िया तस्वीर है, क्या खूबसूरत है, हाँ अपना झंडा और कबूतर है, करेक्ट करेक्ट है, बड़ी कॉमन चीज़ें होती हैं बट वो फोटोग्राफर की आँख है जिसको पकड़ लेती है, बिल्कुल, झंडा भी बड़ा सही सटीक दिख रहा है बीच में, वही प्यारा सा दिख रहा है, बिल्कुल। और ये थोड़ी पॉलिटिकल पिक्चर आ गई फिर से वापस, हार्ड न्यूज़ पिक्चर उनके हैं, तो मुकेश की पिक्चर यदि आप देखेंगे तो ये देखिए पॉलिटिकल किस तरह सड़क पे धरना प्रदर्शन भी चलता है, बड़े नेता भी बैठ रहे हैं, ये कोविड के समय की जो हम सब ने देखा और झेला भी था जी, और हम महसूस करते रहे। और ये मुकेश यादव की हैं तो वाइल्ड लाइफ की हैं, अभी नए फोटोग्राफर हैं, ट्रैवल के काम ज़्यादा करते हैं ट्रैवल मैगजीन्स के लिए, बट यदि आप इस पिक्चर्स को देखें, ये वाली तस्वीर देखिए कितनी प्यारी है, इसमें पीछे दिख रहा है शेर, दिख रहा है अटैक करता हुआ, शेर अटैक कर रहा है एकदम घरों के पास, घरों के पास ये हो रहा, तो ये एक बड़ा
अजीब सा है, मतलब बिल्कुल देखिए पीछे घर दिख रहे हैं बस इतने क्लोज वे में आके शेर आ रहा है, नेशनल पार्क की पिक्चर है रामनगर के। जी 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 जी। और ये हैं तस्वीरें नादेश साहब की, जी नंदेश की पिक्चर्स है, वहाँ जो फिशरीज होती है उसका और किस तरह से सेव करते हैं लोग फिशेस को, जो ये बड़ी डॉल्फिन आ गई उसको कैसे बचा के ले जाना है। अपने नरेंद्र मिश्र साहब की पिक्चर है, ये तो डेली न्यूज में बहुत नाम है इनका, लेकिन इन्होंने दर्शाया भला अलग है ये। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़ फोटोग्राफी की खूबी भी यही है कि हम पेंटर ना होते हुए हम कैमरे से जो पेंट करते हैं ना वो इसमें दर्श रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको कैमरे से और हमने उसके कलर्स और उसकी चीज़ों को जो निकाल के लाया है वो दिखाना पेंटिंग है। बिल्कुल। ये भी दिल्ली की आ गई तस्वीरें, दिल्ली के गार्डन की जो है, दिल्ली की खूबसूरती जो आजकल करे जा रहा है कि साहब दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाए, तो उसके ऊपर ये सारी पिक्चर्स। और G20 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चमकाया जा रहा है दिल्ली को। जी नवीन फिर एक है, पुराने साथी हैं, सबके साथ काम कर चुके हैं। यदि आप इनकी फ़ोटो देखें इसमें वही बात है कि एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत हो रहा है कि ये सिंपल पिक्चर्स नहीं है। आप फोटोग्राफी में जब न्यूज़ का काम करते हैं मैगजीन्स का तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं आप, तो ये पिक्चर या ये आपको जो मिलता है एक्लिप्स का पिक्चर, तो इस तरह के पिक्चर्स करना एक बड़ा मेहनत का काम, बहुत मेहनत लगती है और बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर्स हैं, बहुत आर्टिस्टिक पिक्चर्स हैं। ये नीरज टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटो एडिटर है, तो नीरज के देखिए कितनी सिंपल पिक्चर है लेकिन कंपोजिशन इसका जो है कितना बढ़िया है, कमाल का है, और देखते फील करा रहा है पिक्चर। और इसमें जो ये एक पीछे एक महिला है वो ऐड कर रही है पिक्चर को, या इस पिक्चर को यदि आप देखें एक बैलेंसिंग जो है हर पिक्चर का अपना एक ये तो देखिए कितनी है, देखने में बड़ी सिंपल लेकिन लेने का तरीका जो है और क्रॉपिंग का जो तरीका है वो कितना शानदार है इसका, वही खूबसूरती है। तो फोटो जर्नलिज्म में दिखाना आपको वही है भाई। नीरज की लीनियज भी है, थोड़ा सा बताइए नीरज के बारे में। नीरज के बारे में तो पॉल साहब के बेटे हैं, एस पॉल के बेटे, एस पॉल साहब जो हिंदुस्तान के मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, और सबसे ग्रेट फोटो जर्नलिस्ट। और जितनी उनको इन डेप्थ नॉलेज इक्विपमेंट की थी बहुत रेयर, मेरे को कोई आदमी और नहीं मिलता है जिसको इतनी नॉलेज हो। और उनके भाई रघु राय साहब थे उनका, और नीरज पॉल उन्हीं से हैं, बेटे नीरज हैं, नीरज की भी फोटो थी तो ये बहुत अच्छा लगा था। ये फिर नीरज प्रियदर्शी, ये पहले एक्सप्रेस के थे फोटो एडिटर, आजकल ये फ्रीलांसिंग करते हैं। इन्होंने देखिए क्या खूबसूरती ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक जमाना बिल्कुल, फिर वो ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि अभी तक फोटोग्राफर्स को ब्लैक एंड वाइट का ये भूलता नहीं फैसिनेशन, हम लोग इसके अंदर घूमे रहते हैं, हम सिर्फ कलर्स में नहीं घूमते, ब्लैक एंड वाइट्स में जो कलर निकलते हैं उसका भी एक उसकी शेड्स आते हैं, जो शेड्स और ग्रेज जो हैं उससे निकलती है जान। ये भी देखिए कितनी सुंदर है, नितिन रघु के बेटे हैं आपको पता ही है, रघु राय जी के, और उन्होंने जिस तरह का काम दिया है क्योंकि वो इस तरह का आजकल काम काफ़ी कर रहा है, और उन्होंने ये खास करके पिक्चर देखी है तो क्या खूबसूरती से खींचा है कि नेचर के साथ किस तरह वो जोड़ा गया है, वो देखने वाली फील है और वो खूबसूरती इसका वो है। और ये तो खैर मेरी अपनी तस्वीरें हैं, इसके बारे में अगर आप इन दोनों के बारे में मैं बता दूंगा, मैं बच्चे अभी स्कूल के बहुत आ रहे थे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा इस पिक्चर को सबको पूछने को हर बच्चा पूछ रहा था ये क्या है, तो उनको जब बताया तो उनके बड़े मज़ा आता था जी। देखिए ये दिख रहा है मॉडर्न है हमारा, गगनयान की तैयारी हो रही है, और राकेश शर्मा पहले थे, ये थे वो गए थे और अब ये आके ये है। और ये तो आपने देखिए न्यूज़ बहुत बड़ा था कि लाल किले के ऊपर जिस तरह से हुआ था उस दिन और जिस तरह से वो झंडे फहराए। मैं आपको इसमें ऐड करूं, ये वाली दोनों फ़ोटो मेरे लिए बहुत इमोशनल पिक्चर हैं सिन्हा साहब। जब मैं ये खींचने गया था 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन, मैं अंदर गया और अंदर मैं फ़ोटो खींच रहा था, अकेला था मैं अंदर, माने काफ़ी लोग थे उस वक्त, उस मौके पर मैं अकेला था, मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे खींच रहा था। तीन प्रोटेस्टर्स, अब वो फार्मर थे, एजिटेटर थे, कौन थे, वो आ गए और उन्होंने मेरे को रोका, आप वीडियो बना रहे हैं, और एक ने ऐसे करके तलवार ऊपर उठा ली थी अपने सिर के ऊपर, मैं अकेला, तीन खड़े थे सामने मेरे, उन्होंने पूछा आप वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा नहीं, ये बड़ा कैमरा है इसमें वीडियो नहीं बनता है।
बस वो 30 सेकंड का खेल था। अगर उस वक़्त सिन्हा साहब अगर मैं तहश में आ जाता और उनसे लड़ लेता तो शायद ये तस्वीरें दिखाने के लिए मैं नहीं होता, इसको दिखा के आप अब माला लटका रहे होते। लेकिन देखिए वही है, जोखिम का काम है हमारा, जोखिम का काम है। वो जोखिम तो आपको लेना ही है, हम वही जोखिम तो लेते हैं क्योंकि देखिए राइट मूवमेंट पे राइट क्लिक ये नहीं करेंगे तो आप फिर फोटो जर्नलिस्ट नहीं हो सकते। ये तस्वीरें मेरी हैं और मुझे बहुत प्यारी हैं, और वर्किंग यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन में मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना और बहुत सहज है और मुझे बहुत प्यारी है अपनी एसोसिएशन। एसोसिएशन में काम करने में भी बहुत मज़ा आता है और उसकी कम्युनिटी के लिए काम करना, वापस देना तो बहुत एक इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट जी। ये भी पिक्चर मतलब जी, जिस तरह से आपने ताजमहल की बहुत सारी फोटो लोग खींचते हैं, पूरी दुनिया खींचती है, बट एक खूबसूरती जब बदल के आती है ये भी तो दिखाना हमारा काम है। बिल्कुल हमारा काम है, यही बिल्कुल लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है उस पे उस वक्त तस्वीर खींच लेना। और ये हमारे प्याल साहब की हैं। हाँ भट्टाचार्य अपना प्याल काफ़ी अच्छे फोटोग्राफर हैं, वेल नोन है। यदि आप उनकी फ़ोटो देखिए जिस तरह से उन्होंने खींचा है कि सारी जगहों का, और ये खास करके देखिए कितनी प्यारी है, देखिए किस खाता है दर्शाता है क्या कि बच्चा जब खाने के बाद उस पर कितनी फ्लाइज हैं। और वही मैं कह रहा था जैसे इस पिक्चर पे था, इस पर भी बहुत बच्चे अट्रैक्ट हो रहे थे कि क्यों है, या हम इस बच्चे की जिस तरह से दिखा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर रॉयट्स के समय जो हालात थे उसको दिखा दीजिए। जी जी, जी। और ये हमारी पूजा की हैं जो NDTV में थी, उन्होंने एक ही लेडी की अलग अलग तरह से दिखाई है। एसिड विक्टिम थी, एसिड विक्टिम हैं, एसिड अटैक में सर्वाइवर हैं, और उनकी कितनी मार्मिक तस्वीरें हैं। और ये देख के लग रहा है कि देखिए हमारे सब्जेक्ट वही हैं जिनको लोग नहीं पसंद करें, हमें उनको भी कवर करना पड़ता है। बिल्कुल वही बात आती है बिल्कुल बिल्कुल। प्रभास के पिक्चर्स हैं यदि आप देखेंगे, प्रभास ने जिस खूबसूरती से इन जगहों का यदि आप देखें मतलब इसमें हाँ प्यारी पिक्चर है हमारा धरोहर है ये तो, सांची स्तूपा कितना वही कह रहा है। इसको आप देखेंगे या जिस तरह से ये सीनियर सिटीजन बैठे हैं इस बैकग्राउंड के साथ, तो हर पिक्चर को अपना एक कहीं ना कहीं आप दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रमोद करना की फोटो है, इंडिया टुडे पे काफ़ी लंबा रहे, हेरल्ड में रहे, तो प्रमोद बहुत पुराने हैं मगर आप इनकी तस्वीरें देखिए क्या खूबसूरती है उन तस्वीरों में। हर जगह वो दिख रहा है कि प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कैसे वो उस समय करते थे प्रोटेस्ट, या ये अपना फ्लैग के लिए फ्लैग का रिस्पेक्ट दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपनी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर हैं अगेन प्रशांत की। यदि आप पिक्चर्स देखें, सिंपल पिक्चर्स बट दे टेल स्टोरीज, दे टेल यू कि क्या हो रहा है देश भर में, उसको ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। प्रशांत का काम तो खैर अपने टाइम में और आज भी और आने वाले टाइम में भी याद रखा जाएगा, याद रखने वाला काम है। ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत डिटेल्ड, बहुत पैनी नज़र है उसकी, बहुत पैनी नज़र है चीज़ पे, और पूरी डिटेल्स प्रशांत को पता होती है क्या शूट करना। और ये देखिए सारी अगेन प्रीतम एक बहुत यंग हैं, शेर एज के फोटोग्राफर हैं, और ये खूबसूरती देखिए पार्लियामेंट के बाद न्यूज़ की कवरेज है करेक्ट, बट उसमें जो खूबसूरती आई है तो कभी लगता है कि मतलब हम कैमरे से एकदम पेंटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए ये भी पेंटिंग लगती है जबकि मोबाइल फोन की लाइट है, लाइट्स को मोबाइल फोन की लाइट्स को कितना खूबसूरत पकड़ा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हर पिक्चर करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये भी हमारे राज एचडी में है, हिंदुस्तान टाइम्स में, यदि आपने देखा, और बहुत अच्छे यंग फोटोग्राफर मगर इतना ज़्यादा उनमें है फोटोग्राफर, बहुत एनर्जी है, बहुत मेहनत है, कवरेज है करेक्ट, करेक्ट। और वो उतना डिप जाके करता है, तो यदि आप उस फोटोज को देखें, चाहे ये रिपब्लिक डे की हो चाहे कोविड की है, जी, जी, ये जी, कमाल की जी, जी, जी। ये अगेन विजयवाड़ा से है, विजयवाड़ा से हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने भेजा है, और वहाँ एक प्रोटेस्ट का भेजा है कि एक वुमेन प्रोटेस्टर को किस तरह, क्योंकि ये न्यूज़ की डे टू डे कवरेज है। करेक्ट करेक्ट। ये रजत के पिक्चर्स आप देखिए, ये खास करके कोविड की मार्मिक पिक्चर है, इमोशनल, माने देखिए हाथ कैसे जोड़ रखा है उसने और देख रही है ऊपर, एकदम पड़ गई और सामने पास जल रहा हो तो क्या हालत होती है, और इस तरह के और ये कितना बढ़िया इनके माथे पे चूहा बैठा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग ये रखते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और फिर ये तो हमारे बेदी साहब हैं, ब्यूटीफुल, हाँ, राजेश बेदी,
वाइल्ड लाइफ के मशहूर रहे हैं फोटो जर्नलिस्ट, और फोटो जर्नलिज्म में ही रहे हैं, वाइल्ड लाइफ तो बाद में किया, ओरिजिनल फोटो जर्नलिस्ट ही रहे। कितनी सुंदर पिक्चर है, देखिए पानी पानी भरते पीने के लिए, पानी पीने के किस तरह से हाथी को अपने उससे पानी पी रहा है, बिल्कुल, या ये खूबसूरती देखिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल, केवल हाथी के अंदर एक ब्यूटी। अब कि देखिए ऑस्कर भी मिला एलिफेंट वाली फिल्म को थेपाकाडू मुदुमलाई से, और एलिफेंट पे तो काम राजेश का, राजेश का बहुत बढ़िया है। जनरल लोग ये कहते हैं कि हाथी में क्या फोटो होगी, मगर वो हाथी के अंदर कितनी खूबसूरत फोटो है वो दिखती है। और ये रंजन की है, रंजन हमारे सीनियर फोटोग्राफर है, रंजन ने बहुत जगह काम किया, और रंजन की यदि आप फोटो देखें एक से एक खूबसूरती, ये शेफ फोटो जो है यहीं पर, और वो देख के खूबसूरती उनका जो लग रहा है वो है, या वो आपको देखिए किस तरह से गिलहरी है, लेकिन वो हाथ जोड़ के ऐसे हो रही है भक्ति, बिल्कुल 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 दिखा रही है, बिल्कुल। ये विजय भास्कर राव की फोटो है, ये भी आंध्र प्रदेश से इन्होंने भेजा है, वहाँ के रिचुअल्स कैसे हो रहे हैं, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं तो वो है। और ये जो आजकल एनवायरनमेंट की स्टोरीज बहुत चल रही हैं, एनवायरनमेंट की हम बहुत बातें कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए कि ये किस तरह से हम लोग सीड बम बनाते हैं, सीड बम कहते हैं इनको, और लेके इनको जाके फिर हम लोग फेंकते हैं जंगलों में जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, और फिर ये कवरेज हो जाता है। देखते हैं इधर वाली, देखते हैं तस्वीर है। ऑल टोल्ड 60 से ऊपर फोटोग्राफर हैं हमारे, जो कि जिन्होंने डिस्कवर, ये हमारे देखिए कितनी पुरानी और कितनी अच्छी तस्वीरें हैं, अपने टाइम की नायाब तस्वीरें हैं। ये राजू बहुत पुराने फोटो जर्नलिस्ट हैं और साथी हम लोग के, और यदि आप तस्वीरें देखिए उस ज़माने में जब ब्लैक एंड वाइट एरा में, चाहे वो राजीव जी सोनिया की हो, मिसेस गांधी की हो, मदर टेरेसा की, या सड़क पर जो मारपीट होती थी, मतलब प्रोटेस्ट पुलिस को कर रहा है, वो भी कवरेज दिखा रहा है जी। ये ताशी की है, ताशी की पिक्चर से यदि आप देखें क्या खूबसूरती से उसने जामा मस्जिद का एरिया कवर किया, या देखिए केवल ऑटो रिक्शा खड़े हैं बंद में, मगर उनकी खूबसूरती है, या ऊपर आपने यदि टाइगर का देखें, वाइट टाइगर जिस तरह से उसने पानी, पूरा पानी की छींटें दिख रही हैं उसमें, और ये हमारे नारायण की पिक्चर्स हैं। वैसे तो वो फोटो जर्नलिस्ट है, न्यूज़ फोटोग्राफर रहा है, अब वाइल्ड लाइफ में चला गया, देखिए कितना शौक है, बिल्कुल बहुत। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि इस ब्लैक एंड वाइट के अंदर वाइल्ड लाइफ की खूबसूरती जो निकल के आ रही जी, वो भी एक देखने की चीज़ है हमारे जी, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इधर जो है ये किसकी तस्वीरें हैं, ये सुजान की है जी, ये भी आप देखेंगे सुजान, दिल्ली की खूबसूरती जी, जो दिल्ली को खूबसूरत, यदि हमने दिल्ली को बहुत लोगों ने जंतर मंतर देखा, बट ये पिक्चर जिस तरह से उसने खींची, ड्रोन की फोटो है, ब्यूटीफुल पिक्चर, मगर उसका कंपोजिशन भी है, सवाल फोटो खींचना नहीं है, कहाँ से खींचा गया, या ये कनॉट प्लेस का बंद के समय खींचा गया। और ये हमारे सुब्रत के हैं, सौरभ स्टेट्समैन में है, और इनको यदि आप देखें जिस तरह से इन्होंने वहाँ पे गंगा स्नान के समय संगम में जी, और महंत जी के साथ कैसे उनकी छतरी चलती है दिखा रहे हैं पूरे वक्त। ये सुबीर कलकत्ता से है, कलकत्ता के साथ ही इन्होंने कलकत्ता में कोविड के समय यदि आप देखें वहाँ सेंटर में कैसे लोग रह रहे थे, ये विंडो के थ्रू ली गई, विंडो को दूसरी बिल्डिंग से ली, हाँ वो दूसरी बिल्डिंग से ली, मगर वो इस तरह से दिख रहा है वो शेल्टर में कैसे है। आइए आइए इधर 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 एक और मशहूर फोटोग्राफर की तस्वीरें देखते हैं। अब ये मशहूर फोटोग्राफर जो है उसका मैं नाम आपको बता दूं, उनका नाम है SN सिन्हा साहब, वो वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ खड़े हैं और पूरी तस्वीर, पूरी एग्जीबिशन के बारे में बता रहे हैं। अब सिन्हा साहब, ये जो तस्वीर है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, ये है छोटी लेकिन इसमें जो दिख रहा है वो बहुत बड़ी बात है जी। नहीं देखिए, इस बार जो मैंने फ़ोटोज़ दी हैं वो मेरा जो थीम है वो धर्म पे, रिलीजन, क्योंकि इस समय देश में धर्म की चर्चा ही बहुत है जी जी। तो यदि आप ध्यान दें ऊपर से कि धर्म के नाम पर हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार वैसे नहीं करेंगे, हम फैशन कॉन्शियस हैं सबके सब यंग लोग, मगर धर्म के नाम पे हम मूछ बाल सब कटवाएंगे, या धर्म को हम कमाई के लिए जोड़ लेंगे, या धर्म पे हम कहीं भी बैठ जाएंगे, वैसे हम बहुत चिंता करते हैं, और अल्टीमेटली जो धर्म का फाइनल होता है हम खून बहा देते हैं धर्म के नाम पे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, ये सारा खून है, कोई रंग नहीं है, रंग नहीं है, खून है, और जिस तरह से ये खून जा रहा है
हम हलाल और झटके की बात बहुत कर रहे हैं देश में, मगर यहाँ पर देवी के ऊपर हलाल करके ही हम खून चढ़ाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ दिक्कत नहीं है। सोचना हमारे को ये है आज की तारीख, एक मार्मिक, और यहाँ पे हमारे रेणुका की तस्वीरें हैं। भाई रेणुका शानदार फोटोग्राफर है इंडियन एक्सप्रेस में, और देखिए उसमें आज एमपी हैं मैरीकॉम, उनकी तस्वीर है पार्लियामेंट हाउस में ग्लव्स पहने हुए। नहीं नहीं, यही उसने कवर किया है कि ये एक खिलाड़ी नहीं है, आपने देखा पहले भी फोटो थी, पर इनकी अपनी अदर जिंदगी में कैसे है, करेक्ट, एक मदर है वो। हाँ, मदर की तरह बच्चों के साथ या पार्लियामेंट में एमपी के तौर पे, बट वो ग्लव्स हैं उनके, वो वही फीलिंग रख रही हैं, वो शो हो रहा है फोटो। आइए इस तरफ भी देखते हैं, यही ये वाली तस्वीरें कहाँ, ये संजय घोष ने किया है, ये इन्होंने बाहर की लग रही है, हिंदुस्तान से बाहर की नहीं, ये चाइना की फोटोज है, हुनान की है, और वहाँ के एक टेंपल की है जहाँ इस तरह का ये मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग का। शाओलिन टेंपल तो बहुत फेमस टेंपल है मार्शल आर्ट्स के लिए, ब्रूस ली के लिए बहुत जाना जाता है, और उसकी बहुत तवज्जो। और ये देखिए हमारे फोटोग्राफर जो हैं एसोसिएशन के, वो हिंदुस्तान नहीं बाहर जाके भी कवरते हैं, बिल्कुल। आप देखेंगे संजय कुमार ये राज्यसभा टीवी में रहे हैं काफ़ी, मगर इन्होंने ये तस्वीरें जो बाहर की खींची हैं, बिल्कुल, और जिस तरह से इन्होंने खूबसूरती दिखाई, अंडमान की है या बाहर की है, सियरा लियोन की है, हाँ, ये कोमोरोस की है, कोमोरोस की है, हर जगह की आपको तस्वीरों में एक। और ये हमारी शिप्रा की फोटो, शिप्रा भी हमारी बड़ी सीनियर लेडी फोटोग्राफर, इंडिया टुडे में थी और सब बहुत काफ़ी सीनियर, और जिस तरह से उसने स्पोर्ट्स की ये दोनों कवरेज, या ये फायर वाली कवरेज, या ये पॉलिटिकल, बट ये न्यूज़ में कैसे आपको इमीडिएट तस्वीरें खींचनी पड़ती है, वो दिखता है, वो दिखाने की कोशिश। आइए इसको अब हम अपनी बात को यहीं कहीं पे एंड करते हैं, आइए इधर यहीं पे इसका इधर भी बची हैं थोड़ी सी, हाँ, सोम की बची हैं तस्वीरें, सोम वासु की है, ये म्यांमार की पिक्चर्स है, मैं अभी जो देखिए म्यांमार में हमारे गए, और वहाँ पर नियर अबाउट अरेस्ट होने की कंडीशंस में होता है, और वहाँ यदि आप पकड़े गए तो जेल चले जाएंगे, बट वहाँ जाके भी उन्होंने कवरेज की और उसकी फ़ोटोज़ दिखाई। और ये हमारे एक और दिग्गज फोटोग्राफर संदीप शंकर, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के, आपकी तरह पिलर हैं पूरी एग्जिबिशन को लगाने के लिए, दिखाने के लिए, और कितनी एक ब्यूटिफुल ह्यूमन टच है पिक्चर्स में। नहीं, ये देखिए यही खूबी है, संदीप ने इस एग्जीबिशन को लगाने में ज़्यादा मेहनत तो नहीं की है, मगर सबसे बड़ी बात है तस्वीरों में यदि आप ध्यान दें तो सिंपल पिक्चर्स होती हैं, बट वो आई रख के उनको कैच करना, चाहे वो नेशनल फ्लैग जिस तरह से भर दिख रहा है बीच में, या ये काऊ की फोटो और जिस तरह से उस आदमी के आप एक्सप्रेशन देखिए, बस ब्यूटिफुल वो देखने वाली बात है, या कॉमन सुबह सुबह हमारे शहर में जिस तरह का माहौल है या लोग हैं, ये कलकत्ता के हैं होगी तो खूबसूरती नजर आ। संदीप तो अपने में एक बहुत ही शार्प आई फोटोग्राफर है, बहुत शार्प आई है। ऐसे ही सोनू है, सोनू मेहता की पिक्चर्स हैं ये हिंदुस्तान के हैं, तो इनकी भी अपनी एक जी, जी, अच्छी है जी। और सारी जो फोटो, अब इसको यहीं पर थोड़ा सा एंड करते हैं, इधर आओ सिन्हा साहब आप, ये जो एग्जीबिशन है ये कितनी और दर्शाती है कि हमारे यहाँ जो फोटो जर्नलिज्म की एक कंडीशन है उसमें आपकी क्या राय है, क्या फोटो जर्नलिस्ट इस वक्त परेशान हैं या उनकी कंडीशन ठीक है, कमाई ठीक हो रही है? एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन सिन्हा साहब, व्हाट इज़ योर व्यू एंड आइडियाज़? देखिए दो बातें मैं कहूँगा कि एक तो फोटो जर्नलिज्म की जहाँ से हम बात कर रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आज फोटो जर्नलिज्म बहुत ही बुरे दौर में गुजर रही है, मेरा ये अपना विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने जिस समय काम किया वो एक गोल्डन टाइम था, बट आज यदि आप देखिए तो जॉब्स कम होती जा रही हैं, न्यूज़पेपर्स में लोगों को कम रख रहा है, प्लस जो फ्रीडम थी काम करने की वो ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो आप टीवी में देख लें, ये टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि हर आदमी सोचता है कि वो फोटोग्राफ़र हो गया, इसलिए फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत मुझे नहीं है। आप टीवी में भी आप तो रहे हैं तो आपने देखा ही है,
अपन देखिए, पहले हमारे पास कैमरामैन होता था, साउंड रिकॉर्डिस्ट होता था और करिस्पॉन्डेंट होता था, असिस्टेंट होता था, सिमट के साउंड रिकॉर्डिस्ट गया, असिस्टेंट गया, फिर कैमरामैन भी चला गया, सारा काम जो है वो रिपोर्टर को ही, फोटो भी करनी, शूटिंग भी करनी, एडिटिंग भी करनी। तो ये जो है स्टिल फोटोग्राफी में भी ये बुरा दौर है। बिल्कुल, स्टिल फोटोग्राफी में भी ये दौर आ चुका है और इस दौर का असर दिख रहा है कि न्यूज़पेपर्स में नंबर ऑफ़ फोटोग्राफर्स कम होते जा रहे हैं और जो हैं भी, यदि आप डिस्प्ले ऑफ पिक्चर्स देखेंगे वो भी बहुत कमज़ोर हो गया है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये सारा शो करने के लिए हमारा कारण वही है कि बहुत सारी पिक्चर्स इसमें जो अच्छी थी वो कभी छपी नहीं, चाहे वो अखबार में ही काम कर रहे थे, तो हम उनको दिखाना भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है। या पिक्चर्स यदि आप अखबार में देखेंगे तो कहीं पर दो कॉलम, एक कॉलम पिक्चर छप गई, तीन कॉलम, तो वो कोई फील नहीं दे पा रहे कि जो आर्ट है, क्योंकि न्यूज़ फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म इज़ ए आर्ट ऑल्सो। देखिए, इसके लिए ये कैमरा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आजकल लोग सोचते हैं नहीं, मेरे पास कैमरा, मैं फ़ोटो खींच लूँगा। इसके लिए एक मैन बिहाइंड द कैमरा, आपका दिमाग काम करता है, तो उसके लिए आपको चाहिए वो आदमी जो सोच सके, उस सिचुएशन को समझ सके, और जो वही कहा हमने कि जो हज़ारों शब्दों की जगह पे एक फ़ोटो में वो सारी बात कह सके, वो लोग कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री जो है, कुछ लोग कहते हैं राइटर लिखते हैं, मेरा अपना मानना है, देखिए मैं वीडियो भी करता हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ, पहला प्यार मेरा फोटोग्राफी है। जो हम और आप डॉक्यूमेंट कर लेते हैं वो बदल नहीं सकता कोई, इतिहास लिखते हो। नहीं, देखिए, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री वो कहा जाता है जर्नलिज्म को, मेरा मगर वही जैसे आप कह रहे हैं कि विजुअल हिस्ट्री के साथ ही हिस्ट्री चलती है आगे। यदि आपकी विजुअल हिस्ट्री नहीं है तो वो पता नहीं हिस्ट्री में कुछ भी लिखा जाएगा, क्योंकि वर्ड्स में यू कैन राइट एनीथिंग, मगर जब आप फोटो में होते हैं, और ख़ास करके फोटो जर्नलिज्म इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, वो हर चीज़ को उस प्रोस्पेक्टिव में, उस समय के साथ दिखाता है, और ये जब तक जिंदा रहेगा तभी देश का इतिहास रहेगा। आपको शताब्दियों तक इसी इतिहास के कारण अभी भी आप फोटो क्रिएट करते हैं कि उस पुराने ज़माने में क्या रहा होगा सिचुएशन, चाहे वो पेंटर बनाए, मगर इस फोटो से जब मिलता है तो वो सच्चाई एकदम 100% होती है, और इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। मगर अनफॉर्चुनेटली लोग इसके, और इसके काम करने वाले लोगों की, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, उनकी इम्पोर्टेंस डे बाई डे ख़त्म होती जा रही है, जो एक बुरी बात है जो हमें लगता है। तो ये थे सिन्हा साहब, जो वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और मेरा नाम पल्लव बागला, मैं मेंबर हूँ वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन का। मेरा सिन्हा साहब से एक छोटा सा मतभेद है, मनभेद नहीं है। आने वाले टाइम में हम फोटोग्राफर्स की ज़रूरत बढ़ती जाएगी और फोटोग्राफी की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। अब वो किस तरह से इस्तेमाल हो, डिजिटली हो, सोशल मीडिया पे हो, या फिर वेबसाइट्स पे हो, या फिर अलग अलग तरह से फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, रेडिट पे हो, लिंक्डइन पे हो, लेकिन जो सिन्हा साहब ने अपने टाइम पे, या मैंने अपने टाइम पे साइंस के लिए जो किया, और जो सिन्हा साहब ने पॉलिटिक्स के लिए किया, या जो हमारे सारे इतने मेंबर्स हैं देश भर में फैले हुए, उसकी सबसे बड़ी एग्जीबिशन है और इसको डॉक्यूमेंट किया, ये अपने में एक बहुत ही नायाब और बहुत ही शानदार एफर्ट है, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आज की झलक पिछले 4 सालों की इसमें दिख रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और अभी आपने जो कहा, मैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ, विजुअल वो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आज हर आदमी विजुअल ही देखना चाहता है, वो सुनना और वो पढ़ना नहीं चाहता। मगर इसके साथ जो फोटो जर्नलिस्टों की कमाई थी वो कम होती जा रही है, तो फोटो जर्नलिज्म खत्म होता जा रहा है। इसलिए सर, हमको आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, आने वाले दौर को मेहनत करनी पड़ेगी। हम और आप जितना कमाते थे, अब उसका भाई पैसे कम मिलते हैं तो क्या हुआ, लेकिन नंबर बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, तो अगर मल्टीप्लाई करो तो शायद आप मल्टीप्लिकेशन में कमा उतना ही सकते हैं, और आने वाले टाइम में फोटोग्राफी की ज़रूरत बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। ये बिग पिक्चर एग्जीबिशन है, दिल वाली एग्जीबिशन है, अब इसको एक किस तरह से पूरे में दिखाया जाए, इसके बारे में सोच की जाएगी। लेकिन हाँ,
कहीं ना कहीं हमारे फोटोग्राफर्स ने अपना दिल इसमें झोंक के मेहनत करके, सिन्हा साहब ने और बाकी टीम ने बहुत मेहनत करके एग्जीबिशन लगाई और उसके लिए हम सारे मेंबर आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं कि आप सबने किस कोऑपरेट किया। नहीं, थैंक यू। आपका भी कोऑपरेशन उतना ही है और सब मेंबर्स का। थैंक यू। एग्जीबिशन चल पाई, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ बिग पिक्चर एग्जीबिशन, नई दिल्ली से पल्लव बागला।